हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा भाई सभी को। और देखिए भाई, सुबह है अष्टमी, लक्ष्मी महालक्ष्मी अष्टमी पूजन, तो बस अभी से तैयारी करनी। और बस, और ये मीठे देखिए, नवा और मीठे बनते हैं गोल गोल, तो बस ये बना लिए हमने सुबह की। सुबह मतलब पूजन सुबह है, तो अभी से ही तैयारी कर ली। क्योंकि सुबह थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है इनमें बनाने में सेकने में, तो बस बनाएंगे हम इन्हें, बना के रख देंगे। तो सुबह सेकेंगे इनको, मतलब ये हमारे मस्त मीठे और नमकीन बन चुके, कुछ थोड़े से ये रहे हैं, तो बस आखी कट कर रही है इन्हें। तो बस तेल में फ्राई करेंगे इनको, बस सुबह करेंगे अभी तो नहीं। और देखिए हमारे इतने सारे बन चुके, बस श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय कृष्ण, बस आपको सभी को। और देखिए बस सुबह हो चुकी थी, तो बस हमने नहाया धोया, मतलब अभी पित्त पक चल रहा है तो थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है, तो बस हमने थोड़ा बस काम घर का निपटाया। और हमने जो शाम को बनाए हुए थे, तो पहले हम किचन में चलते हैं, उनको बस तेल में हमें सेकना है, तो उनको तेल में सेकते हैं, फिर हम बस पूजा करेंगे। तो हमने पटा वगैरह सब लगा के रख दिया, तो बस हमने चौक वगैरह लगा दिया है। अभी देखिए ये हमारा पटा लग चुका है, चौक वगैरह कर दी, और हम पहले किचन में चलते हैं। तो बस किचन में हमें बस तेल में उनको सेकना है, मतलब वगैरह करेंगे, बस पहले उनको सेक लेते हैं। और ये हमारा श्रृंगार है, ये है मैया का श्रृंगार, हाथी, ये है श्रृंगार, तो बेसन से ये भी बनता है, ये बन चुका। और पहले बस इनको से थोड़े से ये बचा था, ये बनाए थे मैंने बिना मिर्ची वाले, इनमें मिर्ची नहीं डालते इसलिए बिना मिर्ची से था, तो थोड़ा ही और ये पापड़ हैं, तो बस इनको भी सेक लेते हैं साथ में। और बस सब सीख साख के हम रखे आए, तो बस यहाँ मुझे साड़ी पहनना था, तो बस साड़ी पहन के रेडी हो गए, बस हम पूजा के लिए, तो बस चलते हैं पूजा करेंगे। और ये हमारी ये प्लेट है, तो भूख के लिए बस कढ़ी चावल पापड़ वगैरह खाना भी, तो बस खाना भी बन गया था, कढ़ी चावल पापड़ वगैरह, चावल वगैरह जो भी है सब कुछ, कढ़ी चावल भी बनते हैं इसमें, तो वो भी बन गया था। वो ये देखिए हमारी भोग की बस प्लेट लगा दी मैंने। और यहाँ बस सूजी का हलवा बना रही थी मैं भोग के लिए थोड़ा। देखिए हमारा हलवा बन चुका है, ये रवा का हलवा और ये कढ़ी चावल है, अभी बना लिया था मैंने साथ में ही, खाना बन गया था। भाई आज सुबह से लगे लगे थक गए, सुबह के ही लगे हुए हैं, तो आज हम और जल्दी उठे हुए थे सो के, और सुबह से ही बस खाना में काम में जो भी घर का काम रहता है, फिर खाना बनाया, तो पर टाइम तो हो गया, 11 बज चुके हैं, फिर भी हमें चलो आशु, बस अब हम पूजा की तैयारी में है, पूजा ही करते हैं। आशु मतलब फैला दी, ये हमारे हाथी महाराज जी, तो बस वो मैया टोपी गिर गई है। और बस दुआ तोड़ लेते हैं थोड़ी, क्योंकि दुआ लगती है, देखिए हमारे गमले में लगी हुई है, तो मैंने लगा दी थी इसी में, एक देखिए लेके चलते हैं दुआ को, वो तो दुआ भी जरूरी रहती है पूजा में।
एक थाली है ये हमारी पोथी है, किताब जो हम पढ़ेंगे, और ये श्रृंगार है जो माँ को चढ़ाएंगे, तो लक्ष्मी माँ रहती है। वो ये है हमारा बेसन का श्रृंगार जो बेसन का बनाया हुआ था, और ये है हमारे यहाँ इनको सोरी सोरा बोलते हैं, पर पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं इनको, पर हमारे यहाँ तो इनको सोरी सोरा बोलते हैं। और ये हमारे बस हाथी बैठे हुए हैं, और बस दूबा जो बस इनसे को पान जल चढ़ाएंगे, ये हमारी धूप है। और ये है पीला वस्त्र, तो बस हाथी जी को उड़ाएंगे। और ये है कलाया, तो इसमें बस 16 गांठें बांध ली थी मैंने, तो 16 गांठें बनती है, तो फिर इसका बस पूजन करके हम हाथ में बांधेंगे। तो पहले ही मैंने बना के रख दिया था ये पूजा में, और बस दीपक लगा लिया, और ये दूबा है तो दीबा से जल चढ़ा देते हैं और हाथी के पास रख देते हैं। और बस ये हमारी किताब है पढ़ने की, इसमें कथा है, तो बस यहाँ इसका भी पूजन करेंगे क्योंकि लक्ष्मी माँ की पूजन रहती है इसमें, तो बस माँ को भी जल चढ़ा देते हैं, तिलक वगैरह लगाएंगे। और ये फूल हैं तो बस फूल चढ़ा देते हैं और तिलक कर देते हैं, चावल चढ़ा देंगे। और बस हाथी के भी कर देते हैं तिलक चंदन से। और भाई ये भी बैठे हुए ऊपर, और ये पीला वस्त्र है तो उड़ा देते हैं, और बस धूप दीप लगा देते हैं, तो धूप दिखाएंगे बस इनको। और ये हल्दी है तो बस हल्दी लगा देते हैं क्योंकि सुहाग है, तो सुहाग को चढ़ा देते हैं। ये और ये हमारे शोरी शरा हैं तो इनको भी रख देते हैं। और ये महावर है तो बस थोड़ा सा इसको घोल लेते हैं, तो महावर लगाएंगे, तो बस हाथी के लगा देते हैं। तो और ये लक्ष्मी मैया है तो भाई इनको प्रणाम करके बस पोती बाँच लेते हैं। और ये हैं चावल, तो बस पोथी मैंने बाँच ली थी, 16 चावल ले लेते हैं गिनकर, क्योंकि एक छोटी सी कथा और रहती है आमोती दामोती वाली, तो बस वो 16 बार बोलेंगे और एक एक चावल को चढ़ाते जाएंगे, तो बस ये मैंने गिन लिए, और बस 16 बार हमको बोलकर इनको चढ़ाना है। बस चढ़ा दिए तो और बस आरती कर देते हैं। और बस अब होम वगैरह करेंगे। बस माँ को बस भोग लगा देते हैं, हलवा पूड़ी का और कढ़ी चावलों का। और ये हमारा 16 गांठों वाला गड़ा है, तो इसको 16 बार उसार लेते हैं होम पर, और बस हाथ में बांध लेते हैं। और बस पूजन हो चुका, तो जल चढ़ा देते हैं भाई, अर्घ दे देते हैं पानी से। और ये डूबा है तो बस थोड़ी सी इसमें से लेके खुद पानी पीते हैं, क्योंकि पूजा हो जाती है जब इसमें पानी पीते हैं। तो ये मैया का जो हमने बिछिया बनाए हुए थे बेसन से श्रृंगार, तो उसी में से थोड़ा तोड़ के। और बस पूजा हमारी हो चुकी, तो ये हमारे ये हमने 10 रुपये और ये चढ़ाए हुए थे, बस साक्षी आ गई हमारी कॉलेज से, तो साक्षी को दे देते हैं। जैसे मम्मी सास वगैरह रहती है या ननद या सास, तो उन्हें दे देते हैं, कन्या को भी दे देते हैं। तो अभी मौके पर हमारी साक्षी है। खुश रहो, खूब पलो फूलो, जल्दी बहुए आना है।
मॉडर्न की नौकरी लगे आ जाती। खूब खुश रहे हमारी बुआ, खूब भले फूले, भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, आप सबको भी। और इन्हें खिला देते हैं, गाय को खिलाएंगे इन्हें और पानी पी लेते हैं। तो बस पानी हमने पी लिया, जो हमने माँ का बिछिया लिया था, जो नमक लाल हो रहा है, तो बस थोड़ी सी दूबा लेते हैं और माँ का वो जो बेसन का बिछे बनाते हैं उसमें से थोड़ी सी बस पानी पी लिया। पूजा के बाद ही पानी पीते हैं, खा देंगे गाय को, तो बस खाना माना खाएंगे। और देखिए बस हमारी साक्षी ने आई खाना परस के, कढ़ी चावल पापड़ वगैरह, और ये भी आ गई थी बस। तो बस खाना खा लेते हैं और बस वीडियो को हम यहाँ ही एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बस ब्लॉग हमारा यही पूजा का थोड़ा बहुत इसका ले लिया था, तो बस वीडियो को एंड करते हैं। ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।